अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आज हम आपको मुजाहिदे हिंद और सैयद इस्माइल शहीद, जो कि शाह वली उल्लाह मुहद्दिस देहलवी के पोते हैं, उनका मज़ार का विज़िट कराएंगे। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर महाराजा रणजीत सिंह के जुल्म, मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशों और मुसलमान इस्लामी मराकज़ की तबाही और बर्बादी के ख़िलाफ़ जहाद शुरू किया। तो ये अपने मुर्शिद और सैयद अहमद शहीद के हमराह ये लड़ते लड़ते इस इलाकों की तरफ निकले, जो कि उस वक़्त मुसलमानों के अक्सरियती इलाके थे। तो इनको वहाँ पे 6 मई 1831 को महाराजा रणजीत सिंह की फ़ौज के साथ बहादुरी के साथ लड़ते हुए बालाकोट के मकाम के ऊपर इन्होंने जामे शहादत नोश किया। ये वो अफराद थे जिन्होंने उस वक़्त, जबकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसकी, पंजाब के अंदर महाराजा रणजीत सिंह की हुकूमत थी और मुसलमानों के इस्लामी मराकज़ और लोगों की इज्जत महफूज नहीं थी, तो इन लोगों ने उस सिख फ़ौज को ललकारा और उनके ख़िलाफ़ इन्होंने अलम बगावत बुलंद किया और जामे शहादत नोश किया। ये वो लोग हैं जो सदियों तक, बल्कि क़यामत तक, लोगों के दरमियान में याद रखे जाएंगे और इनके कारनामे जो हैं वो सुनहरी रूप से लिखने के काबिल हैं। तो ये जब भी नारायण का गान और आप इस इलाके में जाएं, तो रास्ते में बालाकोट में इनका मज़ार पड़ता है, तो मज़ार शुहदा जो है उसकी ज़्यारत करना और उनके लिए जो है वो दुआ करना एक सुन्नत भी है। और वैसे भी अल्लाह ताला ने उनके दर्जात बड़े बुलंद किए हुए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आइंदा भी आपको इसी तरह की वीडियो दिखाते रहें।